दिन से मैं लड़कियों के डिफरेंट डिफरेंट गर्ल्स के साथ मॉक शूट कर रहा था क्योंकि मैं पहले हो चुका था। इसको कभी भी फोन कर रहा है सॉरी मैं तो हम शूट करते थे फिर साथ में खाना खाते थे। बहुत रोती है, चुप कराना। हाय दिस इज शहजाद सिंह धामी। हाय दिस इज प्रतीक्षा होनमुखे। एंड वी आर डूइंग अ सेगमेंट विद टेली मसाला, तेरी मेरी कहानियां। फर्स्ट इंटरेक्शन मुझे प्रतीक्षा मिली थी मॉक शूट पे। तो मॉक शूट पे मेरे ऑपोजिट थी, तो नई लड़की थी, तो मैंने देखा हाँ आई है, तो हमने मॉक शूट करना तो वही फर्स्ट इंटरेक्शन थी। एंड आई वाज मेरा यही था, आई थिंक प्रतीक्षा को भी याद होगा कि मेरा टेक यही था कि जो मेरे हमेशा यही होता है कि मेरे ऑपोजिट जो काम करने वाला आर्टिस्ट है ना, जो मेरे ऑपोजिट काम करने वाली लड़की, वो बहुत कम्फर्टेबल होनी चाहिए, वो नर्वस नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उसको बहुत कंफर्टेबल करने की कोशिश की थी। हाँ, फर्स्ट टाइम मैं उसको मॉक शूट पे ही मिली थी और एक्चुअली ही सेड वेरी करेक्टली दैट वो हमेशा उसके सामने जो भी एक्टर होता है, डजंट मैटर हु दैट पर्सन इज़, वो हमेशा उसको ईज कराने का ट्राई करता है। ये मेरा बहुत काफ़ी पहला शो है और मेरा जब फर्स्ट सीन हुआ था सो वो मेरे लिए बहुत ऐसा नर्वसनेस वाला था कि ओ शिट मैं कैसे करूँ बट ही रियली हेल्प मी। और अब तक वो मुझे हमेशा गाइड करता रहता है, अरे यू डू दिस, आप ऐसे करो, आप वैसे करो। मतलब वो कभी ऐसे चिढ़ता नहीं है कि अरे ये क्या, अब मैं कब तक और खड़े रहूँ आपके टेक की वजह से। बिल्कुल नहीं। सो ही इज़ वेरी वेरी नाइस एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन ही इज़ वेरी वेरी नाइस। आई मीन स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा था दैट इसमें तो ऐसे एटीट्यूड इशूज़ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट नहीं है वैसा, ही इज लाइक अ कोकोनट। मुझे एक्चुअली मैं बहुत टायर्ड था उस वक्त, मैंने बहुत सारा मॉक शूट किए थे। 3 दिन से मैं लड़कियों के डिफरेंट डिफरेंट गर्ल्स के साथ मॉक शूट कर रहा था क्योंकि मैं पहले हो चुका था। सुनो तो सही, पहले पूरी बात तो पूरी करने दो भाई। मतलब मैं मॉक शूट कर रहा था, मैं बहुत, ये मेरा लास्ट मॉक शूट था हमारा फाइनल, तो तब ये मेरे को दिखी, मेरे सामने आई, तो तभी तो दिमाग में यही चल रहा था कि भाई हम जो 3 लोग हैं है ना, जो मेन हैं 3 लोग, तो हम तीनों की मेरे हिसाब से केमिस्ट्री अच्छी होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ऑन स्क्रीन अच्छा दिखना है। तो यू नीड टू बी फ्रेंड्स फर्स्ट, ठीक है। तो वही मैं दोनों को ही मैं ईज करने की कोशिश कर रहा था और दोनों का ही मेरे को बहुत पॉजिटिव लगा था, मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगी थी फर्स्ट डे। एंड वो कुछ नहीं, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ ऐसा करो तो हाँ वो वैसा कर दे रही है, स्माइल करके खड़ी है लड़की, बस ठीक है, वो अच्छा था, वेरी मेरी मुझे पॉजिटिव वाइब्स, मैं वाइब्स में बहुत बिलीव करता हूँ। अगर मुझे पॉजिटिव वाइब आएगी तो मैं पर्सन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता हूँ। हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ? हमारा बॉन्ड शूटिंग करते करते महाबलेश्वर में, हमारा मसूरी में जो हमने शूट किया वो मसूरी में, हमारा डे बाय डे रोज़ हम शूट करते थे, फिर साथ में खाना खाते थे। तो जब आप सारा दिन एक दूसरे के साथ रहते हो तो फिर बॉन्डिंग बनते बनते बहुत अच्छी बन जाती है। तो आज मेरी और प्रतीक्षा की बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ना प्रतीक्षा? आई फील आपको वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो सामने वाले इंसान से उतना एफर्ट्स आना, क्यों नो, मतलब ही लिटरली वांट्स मी टू डू गुड। सो और जो आपके बारे में अच्छा सोचता है तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं यही सोचते हो कि अरे यार, मतलब ही इज़ लिटरली हेल्पिंग मी इन एवरी थिंग। सो वैसे हमारा जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब ऐसा है कि हम दोनों एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हैं, गुस्सा हो सकता है, हम बहुत झगड़ते भी हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं, बट हाँ एट दी एंड वी एक्चुअली हैव अ गुड बॉन्ड। सो इसकी अच्छी क्वालिटी ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा यू नो, इफ उसको उसे कोई मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ये इंसान अच्छा है या फिर वो कुछ, तो ये ऐसा है कि उस इंसान के लिए कुछ भी कर लेगा। मतलब वो सोचेगा नहीं कि अरे मैं कैसे करूँ या फिर क्या करूँ, तो वो अपना 110% लगा देता है कि नहीं यार, मतलब दैट पर्सन नीड्स हिम। सो वो अपना पूरा जान लगा देता है यू नो, एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव। इट डजेंट मैटर कि मैं उसको नहीं भी पूछूंगी ना कि मैंने कैसे किया, तो भी वो ऐसे करेगा। हाँ नहीं, वो अच्छा करेगी तो ही करूँगा, ये भी बोलता यार कैसे कर। इसकी काफ़ियाँ मेरी है नहीं है, देखा अभी बोल रही थी कि नहीं बुराइयाँ बता। इसकी सबसे पहली क्वालिटी
इसको कोई भी नहीं थिंकिंग नहीं, इसको कोई भी कुछ भी बोल दे स्माइल करती रहती है. क्या होता है कि मतलब कोई आपको बुरा भी बोले ना, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, स्माइल कर दो तो वो है हमेशा ही आपको हंसती ही मिलेगी. बहुत हार्डली होगा कि इसके दांत अंदर होंगे बाहर ही होते. दूसरी क्वालिटी ये है कि बहुत एक जब आप काम करने आते हो ना सेट पे, तो आप फ्लेक्सिबल होने बहुत ज़रूरी हो. सो शी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, रेडी टू लर्न. वो कई अगर मैं बात करूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा राइट, हो सकता है ऐसे एक्टर्स भी होते हैं जो शो करना शुरू करेंगे तो हाँ यार मेरे को आता है भाई, यू नो कि मैं ऐसा हूँ. अभी मैं कहूँ कि मैं ये मेरा फोर्थ शो है तो मेरे को आता है भाई, तुम्हारा पहला शो है तुम क्या हो? मैं हम बिल्कुल इसकी तरफ से ऐसा बिल्कुल नहीं था. सीखने के लिए हमेशा आगे रहती है, तो वो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है. इसको कुछ सिखाओ तो वो सीखती है. इंस्टाग्राम चलाता है, सारे मेंशंस चेक करता रहता है और फ़ोन पे बात करता है उसके फ्रेंड से. झूठ बोल रही है. फ्री टाइम पे मैं चला जाता हूँ अपने रूम में और मेरे पास पूरी नहीं पूरी स्क्रिप्ट का, मेरे स्क्रिप्ट का बंच होता है मेरे पास, मैं पूरी स्क्रिप्ट स्टडी कर लेता हूँ. ये सोती है, इसको कभी भी फ़ोन कर रहा है. सो रही हूँ मैं. मतलब अगर ये रूम में है तो सो रही है, मतलब ये जिंदा नहीं हो सकती. yeah. और एक just one. He asked you two. अच्छा दूसरी पता नहीं, ये अपनी मम्मी को फ़ोन करके क्या मराठी में बोलती रहती, मेरे को मराठी आती नहीं है. बस जब देखो ये इसका फोन ऐसे कान पे था, किससे बात कर रही है मॉम. मैं मोरपुरी में लगता नहीं, बट मैं बहुत खाता हूँ जब खाने पे आ जाऊँ. मैं पता है ना यार, हमेशा गलती लड़कों की होती है. बच्चा बहुत रोती है, चुप कराना पड़ता है. नहीं ठीक है, दोनों में से कोई भी नहीं है. नहीं 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 है, ये है खुश, ये है